चलिए भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आईपी एड्रेस को डिस्कस करने वाले हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं या एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को कैसे मॉडिफाई करते हैं, सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इतना तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी नेटवर्क के अंदर हम लोग दो टाइप के एड्रेस यूज करते हैं, चाहे उस नेटवर्क में आपने दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है या मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है। किसी भी नेटवर्क के अंदर हम लोग दो टाइप के एड्रेस यूज करते हैं। फर्स्ट होता है आईपी एड्रेस, जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है मैक एड्रेस। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखिए, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, ये दो ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो कि हम लोग नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, चाहे उस नेटवर्क में हमने दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है या मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट की हुई है। किसी भी नेटवर्क में हम लोग दो टाइप के एड्रेस यूज करते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आईपी एड्रेस, हमेशा याद रखिएगा, आईपी एड्रेस जो होता है किसी भी डिवाइस को उसके यूजर के द्वारा असाइन किया जाता है। वो यूजर जो इस डिवाइस को यूज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज और कंट्रोल कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा, आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को उसके यूजर के द्वारा असाइन किया जाता है, और वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइस के आईपी एड्रेस को चेंज कर सकता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन मैक एड्रेस की अगर हम लोग बात करें, मैक एड्रेस जो होता है वो हमारी डिवाइस का एड्रेस नहीं होता है, कान खोल के सुन लेना। मैक एड्रेस जो होता है वो हमारी मशीन के बैक पैनल पे जो लैन पोर्ट अटैच होता है ना, जिसे हम लोग लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हम लोग अपनी लैन केबल प्लग करते हैं नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अपनी डिवाइस को, मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे लैन कार्ड का परमानेंट एड्रेस होता है। और हमेशा याद रखना, किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस उसका यूजर प्रोवाइड करता है, और वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइस के आईपी एड्रेस को चेंज कर सकता है। लेकिन मैक एड्रेस जो होता है वो हमारी डिवाइस का एड्रेस नहीं होता है। मैक एड्रेस हमारी मशीन के बैक पैनल पे जो लैन पोर्ट अटैच होता है, लैन कार्ड अटैच होता है, उसका परमानेंट एड्रेस होता है, और लैन कार्ड पर मैक एड्रेस उसकी मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोवाइड करती है। कोई भी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइस के आईपी एड्रेस को तो चेंज कर सकता है, लेकिन लैन कार्ड के मैक एड्रेस को कोई भी यूजर चेंज नहीं कर सकता है। ये परमानेंट होता है, किसी भी लैन कार्ड का मैक एड्रेस। ये उसी तरह होता है जैसे कि आप किसी भी शोरूम से बाइक वगैरह परचेज करते हो ना, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर जो आप, या फोर व्हीलर परचेज करते हो, उसके भी दो एड्रेस होते हैं। एक होता है जो नंबर प्लेट पे होता है, जो कि अथॉरिटी अलॉट करती है, जिसे आप चेंज भी करा सकते हो। लेकिन उसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर पर इंजन पर एक चेसिस नंबर भी होता है, क्या आप उसे चेंज करा सकते हो? नहीं करा सकते। ये सेम उसी तरह है। सेकेंड थिंग, आईपी एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। कोई भी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइस के आईपी एड्रेस को चेंज कर सकता है, इसीलिए इसे हम लोग लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन लैन कार्ड का मैक एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता है, जो कि उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या इथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। बात एक ही हो रही है। सेकेंड थिंग, आईपी एड्रेस जो होता है वो दो वर्जन में अवेलेबल होता है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6।
देखिए आईपी वर्जन 4 जिसका साइज होता है 32 बिट, और ये 32 बिट 8 8 बिट के चार ऑक्टेट में डिवाइड होता है, और इन चार ऑक्टेट को सेपरेट करता है डॉट, हमेशा याद रखिएगा। सेकंड थिंग भाई, आईपी एड्रेस जिसका साइज होता है 32 बिट, और ये 32 बिट 8 8 बिट के चार ऑक्टेट में डिवाइड होता है, और ये चार ऑक्टेट या ये जो 32 बिट्स होती है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट की जाती है, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम लोग आईपी वर्जन 6 की बात करें, देखिए आईपी वर्जन 6 जो है इसका साइज होता है 128 बिट, और ये 128 बिट 16 16 बिट के 8 ब्लॉक में डिवाइड होता है, 8 ब्लॉक में, और इन 8 ब्लॉक को सेपरेट करता है कोलन, याद रखिएगा। सेकंड थिंग, आईपी वर्जन 6 की जो ये 128 बिट होती है या ये जो 8 ब्लॉक होते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 9 एंड A to F के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके बाद अगर हम लोग मैक एड्रेस की बात करें, देखिए मैक एड्रेस जिसका साइज होता है 48 बिट, और ये 48 बिट 6 ऑक्टेट में डिवाइड होती है, हर एक ऑक्टेट जो है वो माइनस की के द्वारा सेपरेट किया जाता है। सेकंड थिंग, मैक एड्रेस की जो ये 6 ऑक्टेट होते हैं या ये जो 48 बिट्स होती है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट की जाती है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 9 एंड A to F के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए भाई अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन का आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, आज इन्हीं चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन का आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं आईपी कॉन्फिग। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन का आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं आई एफ कॉन्फिग। इसी तरह अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन का मैक एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग दो कमांड यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। पहली कमांड होती है आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल, और सेकंड कमांड होती है गेट मैक। ये दो कमांड आप यूज करते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैक एड्रेस चेक करने के लिए। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैक एड्रेस चेक करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं IF config। लाइनेक्स में आपको आईपी एड्रेस चेक करना है या मैक एड्रेस चेक करना है, दोनों कंडीशन में आप सेम कमांड यूज करते हैं IF config के साथ साथ। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, मैं RHEL 6 से बात करता हूं। देखिए भाई अगर आप RHEL 6 में आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हो अपनी मशीन को या एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग RHEL 6 के अंदर सेटअप नाम की कमांड यूज किया करते थे। लेकिन RHEL 7, रेडट ने जब RHEL 6 को अपग्रेड करके RHEL 7 इंट्रोड्यूस किया तो RHEL 7 के अंदर एक नई कमांड इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज NMCLI। आज के टाइम पर हम लोग, चाहे हम लोग RHEL 7 यूज कर रहे हैं, चाहे हम लोग RHEL 8 यूज कर रहे हैं, चाहे हम लोग RHEL 9 यूज कर रहे हैं, सभी के अंदर हम लोग NMCLI कमांड ही यूज करते हैं आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। RHEL 7 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी NMCLI कमांड,
आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए या एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनएमसीएलआई कमांड। आरएचईएल 8 और आरएचईएल 9 के अंदर भी हम लोग एनएमसीएलआई कमांड ही यूज करते हैं, लेकिन आरएचईएल 8 और आरएचईएल 9 में दो अनदर कमांड और भी इंट्रोड्यूस की गई। कौन कौन सी? NMTUI और NMStateCTL। NMStateCTL ये दो कमांड ये दोनों कमांड जो है वो RHEL 8 में इंट्रोड्यूस की गई थी और RHEL 9 में भी ये एज इट इज यूज हो रही है। कहने का मीनिंग ये है कि RHEL 6 में केवल हम लोग सेटअप कमांड यूज किया करते थे, RHEL 7 में हम लोग NMCLI कमांड यूज किया करते थे आईपी असाइन करने के लिए या एग्जिस्टिंग आईपी को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन आरएचईएल 8 और आरएचईएल 9 में हम लोग तीन कमांड यूज कर रहे हैं। पहली कमांड है एनएमसीएलआई, सेकंड कमांड है एनएमटीयूआई और थर्ड कमांड है एनएमस्टेटसीटीएल। ये तीन कमांड हम लोग यूज करते हैं आरएचईएल 8 और आरएचईएल 9 में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। क्लियर है भाई इतना? अब इन्हीं चीजों को यानी कि इन्हीं तीनों कमांड्स को आज हम लोग RHEL 9 में डिस्कस करने वाले हैं। भाई आप RHEL 8 में यूज करो, RHEL 9 में यूज करो, सेम कमांड आप यूज कर सकते हो, माइनर सभी डिफरेंस नहीं है। चलिए इसके लिए अब मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं। देखिए फर्स्ट हमारी वर्चुअल मशीन है RHEL सर्वर, जिस पर मैंने ऑलरेडी RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। एक है हमारा RHEL क्लाइंट के नाम से, इस पर भी मैंने ऑलरेडी RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। दोनों पर RHEL 9 है। दोनों मशीन को ऑन कर लीजिएगा जरा। देखिए भाई हमारी RHEL सर्वर मशीन जो है वो ऑन हो गई है। सबसे पहले आप रूट यूजर से लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये जो NMCLI है NMTUI कमांड है ये केवल आप रूट यूजर के द्वारा ही रन कर सकते हो। सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं इस मशीन पर मैंने ऑलरेडी RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। टर्मिनल ओपन कीजिएगा। सबसे पहले आपने देखा होगा जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ncpa.cpl कमांड यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, हो सकता है मनीष ने ना देखा हो। भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ncpa.cpl कमांड यूज करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस है ना उन्हें चेक करने के लिए। इसी तरह अगर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, देखो सबसे पहले मैं आपको nmcli कमांड बताने वाला हूं। nmcli अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक करना चाहते हो तो हम लोग पहली कमांड यूज करते हैं nmcli कनेक्शन शो। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं ये है कनेक्शन नेम। अब यहां पर कान खोल के सुन लेना, ये कनेक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पर विशु असाइन किया हुआ है तो ये मत सोचना आपकी मशीन के अंदर भी विशु ही मिलेगा, नहीं कुछ भी हो सकता है। ये है यूनिवर्सल यूजर आईडी जो कि मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक अलॉट किया जाता है आपके लैन कार्ड को। टाइप है इथरनेट और आपके लैन कार्ड का नेम क्या है? ENS160। भाई डिवाइस नेम मशीन टू मशीन वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है। ये कनेक्शन नेम भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है इतना? अब अगर आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन को डिलीट करना चाहते हो,
तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं एनएम सीएलआई कनेक्शन डिलीट, और जो भी कनेक्शन नेम है ना दिस वन, यानी के विशु, कनेक्शन को डिलीट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं एनएम सीएलआई कनेक्शन डिलीट और कनेक्शन नेम टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कनेक्शन विशु सक्सेसफुली डिलीटेड। अब अगर आप यहां पर एनएम सीएलआई कनेक्शन शो करें, अब आप देख सकते हैं कनेक्शन डिलीट हो गया। अब पहली कंडीशन कान खोल के सुनना, तीन चार तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका कि भाई अगर मान लीजिए आपके मशीन के अंदर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया, अब आपको कनेक्शन क्रिएट भी करना है और साथ के साथ अपनी मशीन को आईपी भी असाइन करना है, दोनों एक साथ करना हो, दोनों टास्क कनेक्शन क्रिएट भी करना है और उस कनेक्शन को साथ के साथ आईपी भी असाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग एनएम सीएलआई कनेक्शन एड स्पेस कनेक्शन नेम स्पेस कनेक्शन नेम प्रोवाइड करो, किस नाम से आप कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं विशेष के नाम से कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने विशु के नाम से क्रिएट किया हुआ था, अब की बार मैं विशेष के नाम से कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, स्पेस आई एफ नेम इंटरफेस नेम। अब देखो इंटरफेस नेम ये वाला रहेगा भाई, डिवाइस नेम यानी के ENS 160, बहुत ही ध्यान से करना है, ENS 160 स्पेस टाइप, टाइप में क्या है ये देखो जरा, टाइप में क्या है इथरनेट, टाइप इथरनेट स्पेस ऑटो कनेक्ट। यस, ऑटो कनेक्ट का मीनिंग क्या है कि मशीन अगर कभी भी आप पावर ऑफ कर देते हो तो जैसे ही आप मशीन को ऑन करोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, जब मशीन को रीबूट करते हो तो भी ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट। यस, देन स्पेस आईपी 4, यानी कि आईपी वर्जन 4 का मैं आईपी एड्रेस असाइन करना चाहता हूं। क्या आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, कोमा के अंदर, कोमा के अंदर आप यूज करेंगे क्या आईपी 100.100.100.100, चलो 1 ले लेते हैं 100.1। अब ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का, क्लास ए के अंदर कितनी बिट नेटवर्क के लिए होती है 8 bit/8, और आप यहां पर कोमा यूज कीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दो, पूरी कमांड यहां पर आप, एक सेकेंड जरा, पूरी कमांड आप ये देख लोगे, या एक ही स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है आपको, कमांड नोट हो गई, नोट कर लीजिए आराम से, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा, और अब आप यहां पर देख सकते हैं कनेक्शन विशेष, ये इस विशेष नाम के कनेक्शन की ये यूनिवर्सल यूजर आईडी है सक्सेसफुली एडेड। वापस मैक्सिमाइज कर लेता हूं मैं। इतना करने के बाद अब आप अगर कंफर्म करना चाहो कि भाई नया कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो एनएम सीएलआई कनेक्शन शो टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा, और अब आप यहां पर देख सकते हैं कनेक्शन नेम क्या है, विशेष यूनिवर्सल यूजर आईडी टाइप इथरनेट और डिवाइस नेम। क्लियर है इतना के साथ साथ। अब अगर बात करें भाई कनेक्शन अगर आपको देखना है, कनेक्शन डिलीट करना है, तो आप एनएम सीएलआई कमांड यूज करें, लेकिन ये कनेक्शन तो शो कर देगा, लेकिन इस कनेक्शन का, इस लैन कार्ड का आईपी एड्रेस क्या है वो शो नहीं करेगा। भाई अगर आप आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं अपनी मशीन का, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे आईएफ कॉन्फिग। मैंने, अगर आपको कुछ याद हो,
मैंने अभी आईपी एड्रेस असाइन किया था 100.100.100.1, ये आईपी एड्रेस असाइन किया था ना अभी। तो अगर आप आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो आईएफ कॉन्फिग, अभी कुछ ही देर पहले आपको बताई थी, आईएफ कॉन्फिग टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं आपके लैन कार्ड का नेम क्या है, ENX160, ये टाइप वो डिवाइस नेम है, यानी कि लैन कार्ड का नेम, और इस लैन कार्ड को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया गया है ये आप यहां पर देख सकते हैं, 100.1 जो मैंने अभी असाइन किया, के साथ साथ आपके लैन कार्ड का मैक एड्रेस क्या है वो भी आप यहां पर देख सकते हो, के साथ साथ ये देखो जरा इथरनेट एड्रेस यानी के मैक एड्रेस क्या है वो भी आप यहां पर एक ही कमांड के द्वारा सारी चीजें देख सकते हो। भाई इसमें क्या है कि आईएफ कॉन्फिग के द्वारा आपकी मशीन के अंदर जितने भी लैन कार्ड्स होंगे ना सभी के आईपी एड्रेस और पूरी डिटेल आपको शो कर देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर लैन कार्ड की ही डिटेल देखना तो ENS160 एक पर्टिकुलर लैन कार्ड का भी नेम आप यूज कर सकते हो, तो केवल आपको उसी लैन कार्ड की ही डिटेल शो करेगा, बाकी किसी और अनदर लैन कार्ड की डिटेल आपको शो नहीं करेगा। क्लियर है इतना? के साथ साथ अब यहां पर ध्यान से सुनो, RHEL 7, अगर आप RHEL 7 के अंदर किसी भी लैन कार्ड को डिसेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते थे RHEL 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो उसमें हम लोग कमांड यूज करते थे IF डाउन, लैन कार्ड को डिसेबल करने के लिए कमांड यूज करते थे IF डाउन स्पेस, और ये जो लैन कार्ड नेम है ना ये ऐड करते थे इन RHEL 7 ENS160 टाइप करके एंटर की प्रेस कर दो। अब देखो भाई IF डाउन नाम की जो कमांड है ना वो RHEL 8 और 9 में अवेलेबल ही नहीं है, समझ गए? IF डाउन नाम की कमांड आपकी मशीन में अवेलेबल है ही नहीं। अब देखो अगर आप RHEL 8 और RHEL 9 में ये IF कमांड यूज करना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको नेटवर्क मैनेजर -INIT scripts -up down ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर आप RHEL 8 और RHEL 9 में IF down कमांड यूज कर सकते हो, समझ गए? अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास में ये पैकेज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी ये पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में RHEL 8 और RHEL 9 में आप एक अनदर कमांड भी यूज कर सकते हो, क्या? NM CLI connection down, और यहां पर कनेक्शन नेम यूज करोगे, ध्यान रखना लैन कार्ड का नेम यूज नहीं करोगे, कनेक्शन नेम, कनेक्शन नेम किस नाम से क्रिएट किया था मैंने, विशेष के नाम से, बिल्कुल करेक्ट, टाइप करके एंटर की प्रेस कर दो, और ये देखो जरा कनेक्शन विशेष सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड। अगर आप इसी लैन कार्ड को इनेबल करना चाहते हो, भाई RHEL 7 में, RHEL 7 में लैन कार्ड को इनेबल करने के लिए हम लोग IF up कमांड यूज करते थे, if up, लेकिन वही चीज है RHEL 8 और 9 में तो बाय डिफॉल्ट वो पैकेज है ही नहीं, भाई IF up और IF down अगर आपको कमांड यूज करनी है तो उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, भावना समझ गए? भाई मान लीजिए मेरे पास पैकेज है ही नहीं, मैं इस कंडीशन में हुई नहीं कि मैं पैकेज इंस्टॉल कर सकूं,
आपको मैं कुछ देर के बाद में ये पैकेज इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत मानो, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो RHCL 8 और 9 में आप NMCLI कनेक्शन अप और कनेक्शन नेम ये कमांड यूज कर सकते हो। आप यहां पर देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड, सॉरी एक्टिवेटेड। क्लियर है भाई इतना? के साथ साथ अगर आप किसी भी मशीन से अपनी कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग पिंग नाम की कमांड यूज करते हैं।